हेलो फ्रेंड्स, मेरे इनुदर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में स्वागत करती हूँ। आइए, सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में आज मैं आपको एक पिल्लो बनाना सिखाती हूँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। एक छोटा सा पिल्लो बनाते हैं जिसमें हम कोई फेस लगा देंगे। जैसे मैं इसमें एक डॉगी होता है पुडल करके, जिसके बहुत लंबे लंबे कान होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है, वो शेप बना रही हूँ। तो आप वैसे कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं आगे आगे आपको और भी शेप्स दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उसके लिए हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसकी कटिंग चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट www.renuscreativehub.com में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस तीन चार ही कटिंग है। एक ये इसका हेड का पार्ट है और ये फेस का पार्ट है, ये इसके ईयर्स है, कान लंबे लंबे, और ये इसकी टेल है। बस ये चार ही कटिंग्स है इसमें। और उसके लिए आपको जो कपड़ा चाहिए, जो हम फेस वगैरह उसका बनाएंगे, वो उसके लिए मैं ये वोल्वो ले रही हूँ वाइट कलर का। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वेलवेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आप जो पूरा पिल्लो है वो भी, पूरा पिल्लो भी आप इसमें ही बना सकते हैं। मैं लेकिन पिल्लो के लिए कॉटन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब आगे गर्मी शुरू हो गई है तो गर्मियों में कॉटन ही ठीक रहता है पिल्लो के लिए। तो मैंने ये आधा मीटर कपड़ा लिया हुआ है, पिंक कलर का प्रिंटेड है ये। तो आप कैसा भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास वोल्वो है या फेल्ट है, आप उसका भी बना सकती हैं। और उसके अलावा मुझे 25 सेंटीमीटर इसमें वाइट जो मैंने वोल्वो लिया है वो यूज़ करूँगी। और उसके साथ में एक मेरे को फ़र चाहिए, जैसे इसके कान वगैरह में फ़र होता है, तो उसके लिए मैं फ़र यूज़ करूँगी। तो मैंने शॉर्ट फ़र लिया हुआ है। इसमें आपके पास अगर मीडियम फ़र या लॉन्ग फ़र हो वो भी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मुझे 25 सेंटीमीटर चाहिए, 25 सेंटीमीटर ये, 25 सेंटीमीटर वाइड, और आधा मीटर करीब जो पिल्लो के लिए बेस है कपड़ा। उसके अलावा पेन या चॉक आपको मार्किंग के लिए चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और सिलने के लिए सुई धागा, एक मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक थ्रेड भी यूज़ करूँगी कढ़ाई के लिए, थोड़ा आईज़ वगैरह बनाने के लिए। सीज़र होगी कट करने के लिए, पिन्स इस तरह की वो बंद करने के लिए अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आईज़ है, आईज़ जैसे ये मार्केट में मिलती है आईज़ और नोज़, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं, जो नॉर्मल टेडी बेयर्स के लिए मिल जाती है। इसके साथ में इनके वॉशर्स होते हैं। इसके अलावा आप, अगर आपके पास ये नहीं मिलते हैं तो आप ब्लैक कलर के इस तरह के मोती भी यूज़ कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो, या वो भी नहीं है तो आप बटन्स भी यूज़ कर सकती हैं, कैसा भी ब्लैक कलर का। तो वो आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पिलो बनाना। चलिए सबसे पहले हम ये जो कॉटन का मैंने कपड़ा लिया है उसको लेते हैं। इसकी हम मेजरमेंट एक रेक्टेंगल शेप में काट लेते हैं। इसकी मेजरमेंट जो है मैंने ली है ये 22 इंच, 22 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, और जो विड्थ है ये इसकी है 16 इंच, 16 इंचेस। तो एक एक इंच आप सिलाई में निकाल दीजिए, निकल जाएगी। अब मैंने क्या किया है, जैसे कि आप इसमें मार्क कर दीजिए, एक एक इंच का मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया, एक इंच पे और हाफ इंच पे भी, ठीक है। तो चारों तरफ से आप इसी तरह से एक इंच पे और हाफ इंच पे मार्क लगा लीजिए। उसके बाद में आपने इसको क्या करना है, सिलाई लगानी है। तो मैं तो मशीन से लगाऊंगी, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो मशीन से ठीक रहता है। आप लोग भी जिसके पास मशीन है वो मशीन से लगा लीजिए, जिसके पास नहीं है वो हाथ से भी सिल सकते हैं। तो यहाँ से जो हाफ इंच, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से हाफ इंच, हर चारों तरफ से हाफ इंच छोड़ के आपने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल जस्ट हाफ इंच छोड़ के, इस तरह से हाफ इंच छोड़ के आपने, यहाँ से मैंने निशान लगाया है, इस साइड से भी आप इसी तरह से हाफ इंच छोड़ेंगे और चारों तरफ से आप इसको सिल लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा इस जगह पे आप इसको ओपन छोड़ेंगे, जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और जहाँ से हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो चलिए इतना पहले कर लेते हैं। इसके बाद में हम जो हमारी ड्राफ्टिंग है, कटिंग है, पैटर्न है, उसको हम मार्क करेंगे कपड़े पे। तो इसमें मैंने लिख रखा है, जैसे इसमें मैंने वाइट, खाली इसका फेस जो है वो वाइट यूज़ किया हुआ है, बाकी मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसका ईयर है और हेड का ऊपर का पोर्शन है और ये टेल है।
आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप डबल कलर लीजिए। आप लॉन्ग फर या मीडियम फर व्हाइट कलर का भी लेके तो पूरा उसमें भी बना सकती हैं, या पिंक कलर का लेके आप उसमें भी बना सकती हैं। मैं थोड़ा सा व्हाइट और मैचिंग में यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे इसका फेस का पार्ट है, ये खाली मुझे दो पीसेस काटने हैं इसके, एक इस तरह से रख के और रिवर्स, ये खाली मैंने व्हाइट में काटना है। तो ये फेल्ट है, वोल्वो है मेरे पास, तो इसमें आप कहीं पर भी इसका सिर्फ आपने स्ट्रेच देखना होता है। इसको उल्टा रखिए और ये देखिए, ये यहां से थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह मैं इसको रख के और इसको कपड़े पे मार्क कर देंगे। तो ये पोर्शन आपने इस तरह से रख के, आप चॉक लीजिए या पेन जो भी है आपके पास, उससे लेके आप इसको मार्किंग शुरू कर दीजिए। मार्क आपको मैंने, मेरी अगर आपने वीडियोस पहले देखी होंगी तो उस पे भी बता रखा है कि किस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये सब मार्क करने के बाद में एक पोर्शन सीधा और एक पोर्शन इसका डबल जाएगा, जो दूसरा पोर्शन मुझे रिवर्स में लेना है उसको मैं इस तरह से रख के और मार्क कर दूंगी। अब ये मार्किंग करने के बाद में आप कटिंग शुरू करेंगी और ये पीस आप अपने पास में कट कर लेंगी। ये तो हो गया इसका हेड। अब जो पिंक वाला है, जैसे आप फर लेंगे या मीडियम फर, शॉर्ट फर, जो भी आपके पास हो, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, उसमें आपने फर की डायरेक्शन देखनी होती है। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन आप पहले चेक कीजिए कि किस तरह की है। वो डायरेक्शन आपको अपनी ओर रखनी होती है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि इसमें ये है, ये डायरेक्शन इस तरह है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पर निशान हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन ये मेरी तरफ है। तो इसको मैं इसी तरह से ऐसे उल्टा कर लूंगी अपने साइड, यानी कि जो ये फर की डायरेक्शन है ये मेरी तरफ है, जहां पर मैं बैठी हूँ ये मेरी तरफ है, नीचे की तरफ। और इसको इस तरह से रख के और उसके बाद में आप इसमें मार्किंग शुरू कर देंगी। जैसे कि इसका ईयर से, ये भी, ये आपने फोर पीसेस काटने हैं। अच्छा, ईयर्स जो है ये मैं दो पीसेस, जो बाहर के दो पीसेस लगेंगे वो मैं पिंक में काटूंगी, यानी एक पोर्शन आप ऐसे काटेंगी और एक पोर्शन इस तरह से रख के रिवर्स करेंगी, और दो पोर्शन मैं व्हाइट में काटूंगी। इसका जो अंदर का पोर्शन है उसको मैं व्हाइट रखूंगी, तो वो मैं इस व्हाइट पोर्शन में काटूंगी। यानी चार पीसेस में दो पीसेस रिवर्स, एक ऐसे और एक ऐसे पिंक में काटेंगे, और सेम इसी तरह से दो पोर्शन में व्हाइट में काटूंगी। और इसके अलावा इसका ये टेल है, ये भी आप इसी में काटेंगे। टेल भी आपने दो पीसेस काटने हैं ऐसे रख के और ऐसे, और ये हेड है, ये भी आपने, ये सिंगल पीस काटना है, तो ये इसको इस तरह से रख के आप काट लीजिए। तो चलो इतना कर लेते इसको हैं। मैंने साइड साइड में स्टिच कर दिया है जो ये कपड़ा काटा था। इसके साथ में मैंने एक काम और किया है इसी कपड़े का। आप चाहे तो अगर आपके पास साटन के रिबन है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं इसकी जगह, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने क्या किया, एक इस तरह की एक पट्टी काट ली है। जो पट्टी छोटी सी आप काटिए, करीब कोई 2 इंच की मैंने पट्टी काटी है। ये 2 इंच की पट्टी काटने के बाद में इसको मैंने क्या किया, इसको यहां से फोल्ड करके और इसके ऊपर यहां पर फोल्ड करके और यहां से भी थोड़ा सा इस तरह से, और इनको आपस में इस तरह से करके, और मैंने इसको स्टिच लगा दी। एक बार और देख लीजिए, दोनों साइड से आप फोल्ड करेंगी इसको, इस साइड भी और इस साइड भी थोड़ा सा। ये देखिए, दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद में इनको आपस में फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ पर मैंने इसकी एक सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से मेरी ये एक इस तरह की लंबी दो पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं इसमें, और उन पट्टियों को मैंने यहाँ पर इन दोनों के, ये देखिए, बीच में अंदर साइड से रख के, बीच में रख के इसको यहाँ पर सिल दिया है। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसका ओपन छोड़ा है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने ओपन छोड़ा है ये पोर्शन, और ये मैंने चारों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है दोनों साइड से पट्टियाँ लगा के। अब यहीं से हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, सीधा हो गया है, यहाँ से ओपनिंग है थोड़ी सी, इसको छोड़ दिया है। ये सिराना मेरा जो है रेडी है। अब इसके ऊपर मैं एक काम और करूँगी, मैं इसके ऊपर भी मशीन से ही ऐसे करके इतना पोर्शन, थोड़ा सा, मतलब इतना सा पोर्शन मैं ऊपर से भी इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी, सिर्फ इतने पोर्शन को छोड़कर ऊपर से भी इसके इस तरह से मैं चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी।
तो ये साइड पे कर लीजिए। इसके बाद हम कटिंग पे आते हैं। ये हमने पिंक में काटा था, ये एक पीस आपने काटना है। और ये जितने भी हैं ये इसके डार्ट्स हैं, इसको आपने आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना था आपस में। तो ये देखिए, मैंने ये सारे डार्ट जो हैं इसके, आप देख रहे होंगे, ये मैंने सिल दिए हैं। आपकी मर्जी, आप इसको काट के भी सिल सकते हैं, मैंने काटे नहीं है, मैंने इसी तरह से इसमें स्टिच लगा दी है, तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे काट के सिलिए चाहे इस तरह से। तो ये सारे डार्ट्स काट के आपने इसको रेडी कर लेना है। और ये जो इसका फेस का पार्ट है, इसमें भी ये डार्ट है, 1 2 3, और ये एक यहाँ पर, यहाँ पर भी इतना पोर्शन आपने इसका सिल देना है इस तरह से। तो ये डार्ट्स भी आपने आपस में सिल देने हैं। तो मैंने ये 2 पीसेस वाइट में काटे हैं, तो इसके भी मैंने ये देखिए डार्ट्स यहाँ पर सिल दिए हैं। तो दोनों पोर्शंस के डार्ट सिल दिए हैं, ये भी हमारा रेडी हो गया। इसके बाद में हम ईयर लेते हैं। ईयर में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक व्हाइट काटा है और एक रेड काट पिंक काटा है, तो इनको आपने आपस में स्टिच करना है उल्टा उल्टा रख के। जैसे ये पिंक वाला पोर्शन है, इसके साथ में ये पोर्शन व्हाइट का रखिए इस तरह से, और इसको आपने यहाँ से इस तरह से स्टिच लगा देनी है। ये वाला पोर्शन आप ओपन छोड़ेंगे। स्टिच लगाने के बाद में आप इसको सीधा कर लीजिए। इसी तरह से इसका टेल का पार्ट है, ये भी पिंक में काटना था, ये 2 पोर्शन मैंने काटे हैं। इनको भी आपने उल्टा उल्टा रख के आपस में करके, तो यहाँ से ओपन छोड़िएगा इस जगह से, और यहाँ से आप इसको सिल लीजिएगा। तो ये सब आप पहले रेडी कर लीजिए, फिर आगे मैंने देखते हैं। इसकी यहाँ से ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। तो हमने जो अंदर से 1 इंच का कपड़ा रखा था, आधा इंच मैंने अंदर से सिलाई मारी, आधा इंच मैंने यहाँ से सिलाई लगाई है इसको। तो ये चारों तरफ से सिलाई लगाई है, सिर्फ यहाँ वाला पोर्शन मैंने ओपन छोड़ा है, जहाँ से मैंने इसको सीधा किया, और यहीं से हम फिलिंग करेंगे। और चारों तरफ से मैंने इसको ऊपर से भी आधा आधा इंच सिलाई लगा ली है। ठीक है, तो इसको साइड पे कर लीजिए। उसके बाद ये ईयर है, ये भी मैंने आपस में जोड़ दिए हैं, ये ज्वाइन हो गए, इसको सीधा कर दिया है मैंने। और जो ये हेड का पोर्शन था, इसमें जितने भी ये डार्ट्स थे इनको मैंने आपस में सिल लिए हैं, ये जितने भी डार्ट्स थे ये सिल लिए हैं। फेस में भी जितने डार्ट्स थे वो भी आपस में सिल लिए हैं हमने, ये देखिए वो भी आपस में सिल लिए हैं। और ये इसका टेल का पोर्शन है, ये भी आपस में सिल लिया है। अब आपने क्या करना है, जो फेस है, फेस का जो ये स्ट्रेट वाला पार्ट है, इस स्ट्रेट वाले पार्ट में आपने इस तरह से करके इसको हाफ निशान लगा लीजिए, एक मार्क लगा लीजिए बिल्कुल सेंटर में। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसको फोल्ड करके इस तरह से, और यहाँ पर एक मार्क लगा लिया है, तो मेरा सेंटर का पोर्शन आ गया। सेम इसी तरह से जो आपका ईयर है, मतलब इसका जो ईयर आपने बनाया है डॉगी का, इसका भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके और बिल्कुल सेंटर में एक मार्क लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साइड में रख के, जो सीधा सीधा पोर्शन है वाइट वाला फेस का, और ईयर का फेस का पोर्शन वाइट वाला पोर्शन, ये आपस में ज्वाइन करके आपने ये सेंटर से सेंटर मिला के, और यहाँ पर आप एक इसको पिनअप कर लीजिए, इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए। और उसके बाद में आप इसकी एक यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेंटर सेंटर निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिए। जैसे कि मैंने ये देख लिया, ये यहाँ से अटैच कर दिया है इसके साथ में, फेस के साथ में ये वाला पोर्शन, इसी तरह से आपने इसको भी अटैच करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका ये अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद में आप इस फेस और फेस को इस तरह से रखिएगा आपस में, ये देखिए इस तरह से। और आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसकी सिलाई लगानी, ये वाला पोर्शन आपने जो ऊपर का स्ट्रेट पोर्शन है इसमें सिलाई नहीं लगानी है, और यहाँ से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। और यहाँ से राउंड करके इनको, ईयर्स को दोनों को अंदर कर लीजिएगा, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इस पोर्शन तक लाना है। ये जो ऊपर का स्ट्रेट पोर्शन है ये आपने छोड़ देना है, ये जो ऊपर का स्ट्रेट पोर्शन है इसको आपने नहीं सिलना है। यहाँ से आपने इस तरह से सिल के आपस में दोनों फेसेस को आपस में सिल लेना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। ये देखिए अब ये फेस इसका ऑलमोस्ट रेडी है, नीचे से मैंने सिल दिया है। अब इसमें हम ये हेड ज्वाइन करते हैं। अब हेड में यहाँ पर एक सेंटर का मार्क लगाया हुआ है, वो आप कटिंग में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ये वो मार्क। अब आपने क्या करना है, जो ये हेड है इसमें आपने इसको जोड़ना है, इसको आप इस तरह से रखेंगे इस तरह से। ये जो निशान है इस निशान को आप इस सेंटर की लाइन से रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से आप इसको इस तरह से करके और पूरा यहाँ तक
स्टिच कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देते हैं यहाँ पर, और इसी तरह से सेम इस साइड से लेंगे आप, और इस तरह से करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर पीछे का बैक साइड थोड़ा सा ओपन छोड़ देंगे। तो चलिए इतना करते हैं। ये देखिए ये अटैच हो गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दिया है ओपन। अब यहाँ से हम इसको फिल करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कॉटन लेके आप इसको यहाँ से फिल करना शुरू कीजिए। तो आप इसको भी फिल करेंगे, फेस को भी फिल करेंगे, और जो इसकी टेल है उसको भी फिल कर दीजिए, और जो ये पिल्लो है इसको भी आप फिल कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसका फिलिंग भर के इसकी टेल भी फिल कर दीजिए, और जो ये पिल्लो है इसको भी आप फिल कर दीजिए पूरी तरह से। उसके बाद हम इनको अटैच करेंगे। ये देखिए पिल्लो मैंने फिल कर दिया है, और जो यहाँ पर खुला वाला पोर्शन है उसको भी मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है, जैसे कि मैंने यहाँ बाकी में भी ऊपर से लगाई थी, इसी तरह से ऊपर से सिलाई लगा दी है। तो पिल्लो हमारा रेडी है, इसी तरह से टेल भी मैंने फिल कर ली है, और ये फेस भी फिल कर दिया। फिर करते समय मैंने यहाँ पर साथ में ही नोज़ अटैच कर ली थी, इसको थोड़ा सा छेद करके यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, और उसके बाद मैं नोज़ यहाँ पर लगा दी थी साथ में ही, उसके बाद मैंने इसको फिल किया था। ये पोर्शन अभी देखिए पीछे खुला है, इसको हम बाद में इस तरह से बंद कर देंगे, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम आईज़ लगाते हैं इसकी। अब आइज़ के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं हम एक आइडिया से, कि जैसे इस जगह पे हम इसकी आइज़ लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से इक्वल आप नाप भी सकती हैं, यहाँ से 1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और कोई करीब इधर से भी 1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी आइज़ लगाते हैं। अब आईज़ लगाने के लिए आपने क्या करना है, पहले सुई में धागा डालिए। अगर आपने मार्केट की आईज़ लगानी है जो टेडी बियर्स की आईज़ होती हैं, तो आप वो जब इसको फिल करेंगे, जैसे ये मैंने नोज़ लगाई है, तो आप वो पहले ही लगा लीजिएगा, जो पहले इसको लगा के उसके बाद इसको फिल कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बटन लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इसीलिए मैं बटन के लिए आपको दिखा रही हूँ आपने क्या करना है। तो जो हमने ये निशान लगाए हैं, यहाँ से हम एक सुई में धागा डाल के, और मैं इसको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकाल लेती हूँ। अब यहाँ से दोबारा से मैं ले लेती हूँ इसको इसी जगह पे, और इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच देती हूँ। एक और बार कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ आईज के लिए ये हम थोड़ा सा एक फिनिशिंग टच दे रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मार्क सा बन गया है हमारा। आप इसको यहाँ से बंद करके, यहाँ से भी आप इसको जैसे पीछे आपने खुला छोड़ा है, आप वहाँ पर भी इस सुई को निकाल सकते हैं। ये देखिए अब हमारा थोड़ा सा ये यहाँ पर मार्क सा बन गया है। अब इसको यहाँ पर मैं बंद कर लेती हूँ। ये हमारा बंद हो गया है, इसको धागा यहाँ से कट कर लीजिए, और उसके बाद में हम इसमें आईज जो है बटन वो लगा लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से फिर से लूँगी, बैक में ही मेरा ओपन है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ। ये बंद होने के बाद में अब मैं इसको यहाँ पर, जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है, यहाँ पर मैं इसकी सुई को निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर ये मैं बटन डाल लेती हूँ। थोड़ी सी स्टिच यहाँ ले लीजिए। ये इस तरह से देखिए, अब इसको यहीं से मैं दोबारा से यहाँ निकाल लेती हूँ, जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है। और यहाँ मैं दूसरा वाला बटन लगा लेती हूँ।
ये देखिए आईज मेरी दोनों लग गई हैं। अब इसको यहाँ पर फिनिशिंग टच कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पर। अब इसको मैं फिर से पीछे से ही निकाल के इसको मैं बंद कर लेती हूँ। अब इसमें आप चाहें तो ब्लैक थ्रेड से इसकी आईलैशेस भी बना सकते हैं। ये देखिए ये मेरी आईज नोज लग गई है इसमें। इसमें आप चाहे तो ब्लैक थ्रेड से आईलैशेस भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई मार्कर या स्केच पेन हो आप उससे भी बना सकती हैं। अब देखिए इसकी आईज भी नोज भी लग गई है। अब इसका ये जो बैक का पोर्शन है इसको हम बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए सुई में धागा आपने डाला है तो यहाँ से निकालिए एक साइड से और इसको इस तरह से आप बंद कर दीजिए यहाँ से सुई, फिर यहाँ से, फिर वाइट में से, फिर पिंक में से। तो इस तरह से करके आप इसका ये पूरा पीछे का बैक का हिस्सा बंद कर लीजिए। ये देखिए अभी इसको लास्ट पे बंद कर दीजिए और इसको क्या कीजिए आप सुई को कहीं और से निकाल लीजिए, इसको थोड़ा खींच के कट कर दीजिए। देखिए बैग भी बंद हो गई है इसकी, एयर्स भी हो गए हैं रेडी और हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको अटैच करेंगे पिलो में। देखिए अब जो ये पिलो है इसको आप सबसे पहले इस तरह से करके इसको बंद कर लीजिए आपस में। अब ये बंद हो गया है, ये देखिए। अब इसको आपने इस जगह पे अटैच करना है, ठीक है। तो सुई धागा लेके आपने इसको यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे अटैच करना है इस तरह से। तो इसको आप खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं। इसको सिल दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बैग दिखाई सिलनी, इसमें से और इसमें से इसको आपस में इस तरह से सिल दीजिए। और उसके बाद में जो ये टेल है, ये जो टेल है ये आपकी यहाँ पर इस जगह पे इस तरह से इसको भी सिल देंगे आप राउंड राउंड में पूरा इस तरह से। तो दोनों चीज़ें हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हेड डिस्क अटैच हो गया है। अब इसी तरह से मैंने टेल भी अटैच कर ली। जैसे आप किसी भी टेडी बेयर या किसी भी चीज़ में आपस में हेड या बॉडी जैसे अटैच करते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही ये भी अटैच करना है। एक स्टिच इसमें से और एक स्टिच इसमें से, बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसीजर है। कोई मैंने अलग सा कुछ नहीं किया है, बस इस तरह से करके बस सिर्फ सेंटर लेके आपने और इनको आपस में स्टिच कर देना है। देखिए अटैच हो गया है। अब इसको मैं बंद कर लेती हूँ यहाँ पर। और इसको यहाँ से निकाल के सुई डाल के और आप कहीं और से सुई निकाल लीजिए और इसको खींच के आप धागे को काट दीजिए। ये देखिए टेल भी लगा दी है और उसका हेड जो है वो भी अटैच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से इसको इसके ऊपर रख के और साइड साइड में जिस तरह से मैंने आपको टेल में दिखाया उस तरह से इसकी स्टिचिंग आप कर दीजिए। तो अब आप देखिए आपका ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम देखिए, अब ये ऑलमोस्ट आपका रेडी है।
अब इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था आप इससे कढ़ाई करके भी कर सकती हैं ब्लैक थ्रेड से। मैं थोड़ा सा मार्कर लेके इसको थोड़ा सा इसकी आईलैशेस बना लेती हूँ। स्केच पेन ले लीजिए, यह ये देखिए इस तरह से आप इसकी आईलैशेस भी बना सकती हैं। ये चीज़ आप कढ़ाई करके भी कर सकती हैं और इससे भी इसको फिनिशिंग टच दे सकती हैं। थोड़ा सा आईज की शेप, ये देखिए आपका पिल्लो डॉगी वाला पुडर वाला बिल्कुल रेडी है। इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं इस तरह से, और ये देखिए ये आपके बच्चे के सोने के काम आ सकता है। इसको आप सुला सकती है, और जब आपके सोया नहीं हो बच्चा या जो भी है, इसको आप इस तरह से करके एक डॉगी की ये शेप भी दे सकती हैं। तो इस जगह पे जैसे मैंने ये तन्नी लगाई है, आप इसकी जगह कोई साटन का अगर आपके पास रिबन हो वो भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसकी जगह बटन भी यूज़ कर सकती हैं, बटन भी लगा सकती हैं, नहीं तो मार्केट में वेलक्रो मिलता है, आप दोनों पोर्शन में वेलक्रो भी लेकर इसको इस तरह से अटैच कर सकती हैं। तो मैंने इसकी तन्नी बना के यूज कर ली थी। अब देखिए आपका डॉगी वाला पिलो बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।